हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में 2024 के चुनावी मिशन से जुड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। चुनावी बैठक में बीजेपी का महामंथन, एमपी की 40 और छत्तीसगढ़ की 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का जारी करने के लिए पीएम ने दिए निर्देश। ये वो सीटें हैं जिन्हें बीजेपी जीत नहीं सकी है। दिल्ली के लिए चुनावी तैयारी पर कांग्रेस की अहम बैठक, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस आलाकमान ने नहीं खोले पत्ते। राहुल ने कहा कि दिल्ली बिल पर कांग्रेस का रुख सैद्धांतिक था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की पूरी संभावना, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस नहीं करना चाहती जल्दबाजी, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आपके रुख पर कांग्रेस की नजर। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर लड़ने का किया इशारा। कहा, बैठक में राहुल ने कहा, आप 7 सीटों पर पहले नंबर पर भी आ सकते हैं, सभी सीटों पर हर नेता को अभी से निकलना है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने फिर सरकार बनाने के लिए झोंकी पूरी ताकत। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अब की बार 75 पार। अखिलेश यादव के ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर दिया जवाब। लिखा, सपा की होगी घोषी में हार, श्री दारा सिंह चौहान और कमल की चल रही है बयार, साइकिल पंचर करने को जन जन तैयार। यूपी में निषाद पार्टी 2024 से पहले शक्ति प्रदर्शन कर एनडीए में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में, 2024 में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है पार्टी। राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए कराएगी ग्राउंड रियलिटी चेक। 25 लोकसभा और 200 विधानसभा के पर्यवेक्षकों पर दावेदारों का सच खंगालने का जिम्मा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांग्रेस का संकल्प शिविर, सीएम भूपेश बघेल का जीत के लिए मंथन। जगदलपुर और चित्रकूट विधानसभा के संकल्प शिविर में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात। चुनावी साल में अरविंद केजरीवाल का तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरा, 19 अगस्त को रायपुर में आम आदमी पार्टी का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन संबोधित करेंगे केजरीवाल। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तैयारियों का लिया जायजा। झारखंड कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी। समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारी जारी। आज से फतेहपुर में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर, फिरोजाबाद में 20 और 21 अगस्त को शिविर। अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। झारखंड में बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुटी पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज से 7 चरणों में शुरू करेंगे संकल्प यात्रा। 17 अगस्त से 10 अक्टूबर तक चलेगी यात्रा। आज रांची में झारखंड आरजेडी की राज्य स्तरीय बैठक, प्रदेश प्रभारी भी करेंगे शिरकत। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक में संगठन के सभी वरिष्ठ सदस्यों को आने का निर्देश। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।